हेलो दोस्तों, माय नेम इज विशाल एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न हो। दोस्तों आज हम सीखेंगे एक्सेल में टॉप 5 टिप्स के बारे में, जो दोस्तों बहुत ही टाइम सेविंग टिप्स है। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इसमें सबसे पहला है, जैसे मान लो अगर आपको किसी भी डेट का कौन सा दिन था, अगर दोस्तों वो आपको फार्मूला की सहायता से निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे। जैसे आप, मैंने एक डेट टाइप किया है, अगर मैं देखना चाहता हूँ इस डेट को कौन सा दिन था, तो आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पर लगाना इक्वल टू टेक्स्ट। उसके बाद दोस्तों टैब प्रेस करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे शो हो रहा है वैल्यू, दोस्तों वैल्यू में आपको सेलेक्ट करना है इस डेट को। उसके बाद कॉमा लगाने के बाद आपको डबल कोट के अंदर 4 बार टाइप करना है डी। उसके बाद दोस्तों इन्वर्टेड कॉमा करना है, क्लोज ब्रैकेट, क्लोज एंटर। देखिए दोस्तों इस डेट को, मतलब 16/3/2001 को फ्राइडे था। इसी प्रकार दोस्तों मान लो मैं आज का डेट का निकालना चाहता हूँ कौन सा दिन है, दोस्तों आज का डेट, या दोस्तों आप टाइप कर लो, नहीं प्रेस कर दो कंट्रोल के साथ सेमी कॉलन, दोस्तों शॉर्टकट की होता है करंट डेट इंसर्ट करवाने का। उसके बाद दोस्तों लिखना है आपको इक्वल टू टेक्स्ट, टैब प्रेस करना है। उसके बाद दोस्तों वैल्यू, वैल्यू हमारा ये हो जाएगा, कॉमा लगाने के बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा में आप दोस्तों 3 बार डी लिखेंगे तो क्या होगा कि शॉर्ट में आएगा। जैसे यहाँ पर क्या आया था फ्राइडे, तो फ्राइडे में आएगा एफ आर आई आएगा। यहाँ दोस्तों देखता हूँ क्या आता है, ब्रैकेट क्लोज एंटर। देखिए दोस्तों ये शॉर्ट में आ रहा है संडे। उम्मीद दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों नेक्स्ट है ट्रांसपोज। दोस्तों ट्रांसपोज डाटा ये क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पे, यहाँ दोस्तों मैंने एक डाटा लिया है, अगर वर्टिकल डाटा को हॉरिजॉन्टल में चेंज करना है या हॉरिजॉन्टल डाटा को वर्टिकल में चेंज करना है, तो उसके लिए दोस्तों आप ट्रांसपोज के यूज कर सकते हैं। कहने का मतलब जैसे यहाँ पे नेम कहाँ पे टाइप है, वर्टिकल में टाइप है, हम चाहते हैं नेम कहाँ हो जाए, हॉरिजॉन्टल में हो जाए। और ये जो मंथ है ये कहाँ पे हॉरिजॉन्टल में है, ये चाहते हैं हम कहाँ पे हो जाए, वर्टिकल में हो जाए। तो इसके लिए दोस्तों आप ट्रांसपोज डाटा की, ट्रांसपोज फार्मूला की यूज कर सकते हैं। इसमें दोस्तों क्या है, सबसे पहले आपको एक एरिया सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैंने देखिए दोस्तों एक एरिया सेलेक्ट कर लिया। अब वो एरिया उतना ही सिलेक्ट करना है आपको जितना यहाँ पर आपका डाटा है, मतलब वो ट्रांसपोज होने के बाद वो डाटा कितने एरिया में आएगा आपको दोस्तों उतना ही सिलेक्ट करना है, उससे एक्स्ट्रा सेलेक्ट नहीं करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है इक्वल टू ट्रांसपोज, उसके बाद टैप प्रेस करना है। उसके बाद यहाँ दोस्तों क्या सो रहा है, एरिया मतलब एरिया मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद दोस्तों ब्रैकेट क्लोज करके आपको प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट एंटर, क्योंकि दोस्तों ये हमारा क्या एरे फंक्शन फार्मूला है। उसके बाद दोस्तों क्या मैंने प्रेस किया कंट्रोल शिफ्ट एंटर। देखिए दोस्तों ये डाटा हमारा क्या हो गया, ट्रांसपोज हो गया, नेम आ गया हमारा हॉरिजॉन्टल में और जो मंथ थे वो क्या आ गए, वर्टिकल में आ गए। दोस्तों इससे जो बेस्ट ऑप्शन मैं आपको बता दे रहा हूँ, सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर दोस्तों आपको ट्रांसपोज डाटा करना है, आप क्या करो सिंपली इसको सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करने के बाद इसको कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद दोस्तों जहाँ पे आप इसका ट्रांसपोज करना चाहते हैं वहाँ पे आप क्लिक करो, क्लिक करने के बाद पेस्ट में जाओ। उसके बाद दोस्तों आप क्या करना है, यहाँ पे करना है ट्रांसपोज। देखिए दोस्तों ये सिंपल, दोस्तों ये सबसे आसान तरीका यही है कि आप कॉपी करने के बाद सिंपली आप क्या करो, पेस्ट में जाकर यहाँ पे कर दो ट्रांसपोज डाटा। उम्मीद दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों नेक्स्ट हमारा कमेंट। कमेंट क्या होता है दोस्तों, कमेंट तो आप जानते हैं कि जैसे सिंपल अगर मुझे कमेंट देना है तो आप क्या करो, सिंपली जाओ रिव्यू में, यहाँ दोस्तों कमेंट दे दो, आप कुछ भी टाइपिंग कर सकते हो। लेकिन हम चाहते हैं इस कमेंट में कुछ पिक्चर दें, इस कमेंट में अगर मुझे पिक्चर देना है, मतलब हम चाहते हैं किसी भी इम्प्लॉय आईडी पे अगर मैं ऐसे कर्सर लाऊं तो यहाँ पे क्या उसका पिक्चर शो हो। जैसे कमेंट में क्या हो जाए, पिक्चर हम शो कराना चाहते हैं, उसके लिए क्या करेंगे आप, जैसे कि इस इम्प्लॉय आईडी का मैं पिक्चर यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, आप सिंपली दोस्तों आप क्लिक करो न्यू कमेंट पे, या दोस्तों आप शिफ्ट के साथ F2 भी प्रेस कर सकते हैं, तब भी दोस्तों न्यू कमेंट का शॉर्टकट की होता है क्या, शिफ्ट प्लस F2, मैं प्रेस कर दे रहा हूँ शिफ्ट प्लस F2। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे कमेंट आ रहा है। अब कमेंट में क्या करना है आपको, ये कॉर्नर पे करना है राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ दोस्तों फॉर्मेट कमेंट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर जाना है। उसमें जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है कलर्स एंड लाइन पे, इस पर जाना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे कलर के जो यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू शो हो रहा है, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद फील इफेक्ट में जाना है। उसके बाद पिक्चर आ रहा है, पिक्चर पे क्लिक करो, उसके बाद सेलेक्ट पिक्चर आ रहा है। अब दोस्तों उस इम्प्लॉय आईडी का क्या करें, कोई भी पिक्चर आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए उस इम्प्लॉय आईडी का पिक्चर ये है, आप क्या करो यहाँ पे इंसर्ट करो, कर दो ओके। अब देखिए दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे अगर मैं रिव्यू में जैसे ही दोस्तों इस पर मैं होवर करूँगा, कर्सर ले जाऊँगा, तो यहाँ पर क्या होगा, उसका इमेज शो होगा। उम्मीद दोस्तों ऐसे दोस्तों आप सबका ऐसे आप क्या कर सकते हैं, इमेज आप दे सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों अगर आपको, जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइप किया है 25 kg, 28 kg, 30 kg, ऐसे दोस्तों इन सबको क्या करना है, आपको जोड़ना है। दोस्तों अगर आपको इसको जोड़ना है तो सिंपल देखिए दोस्तों क्या होता है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए दोस्तों मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 25 kg
28 kg, 30 kg, 44 kg, 45 kg। अगर दोस्तों इन सबको अगर आपको जोड़ना है तो आप कैसे जोड़ेंगे, सिंपली आप क्या करेंगे, लगा देंगे इक्वल टू सम, उसके बाद ब्रैकेट ओपन, उसके बाद दोस्तों क्या करना है, सभी को सिलेक्ट करना है। अब सिलेक्ट करने के बाद ये क्या आएगा, जीरो आएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें क्या है, नंबर भी है प्लस टेक्स्ट भी है। लेकिन दोस्तों मुझे अगर इसको जोड़ना है तो आप क्या करेंगे, सिंपली आपको अगर जहाँ पे जोड़ना है, जितने एरिया में आप जो है केजी मतलब कि नंबर प्लस केजी मतलब वो यूनिट लिखना चाहते हैं, उतने एरिया पहले आप कर लो सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करो, सिलेक्ट करने के बाद आप जो है होम में यहाँ पर दोस्तों नंबर फॉर्मेट में जाओ, यहाँ पर मोर नंबर फॉर्मेट आ रहा है, इस पर क्लिक करो। यहाँ पर दोस्तों कस्टम का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, जनरल को हटा देना है। यहाँ पर दोस्तों टाइप करना है नंबर, अब नंबर हमारे से हैशटैग मान लो कोई नंबर हमारा हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पे स्पेस देता हूँ मैं, उसके बाद मैं क्या लिखना चाहता हूँ, केजी ब्रैकेट मतलब इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देना है। उसके बाद करना है यहाँ से ओके। अब देखिए दोस्तों मैं यहाँ पर लिखता हूँ 25, जैसे ही करूँगा एंटर ऑटोमेटिक केजी आ जाएगा, 28 kg। अब दोस्तों इस अगर आप इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये जुड़ जाएगा, क्यों, क्योंकि हमने इसमें क्या लगा दिया है, ब्रैकेट क्लोज एंटर। देखिए दोस्तों ये क्या हो गया, जुड़ गया। दोस्तों अगर आपको इस टाइप से अगर कैलकुलेशन करना है, नंबर प्लस कोई भी यूनिट हो, तो उसको क्या करो, सबसे पहले कस्टम में जाकर आप उतने एरिया सेलेक्ट कर लो, कस्टम में जाकर आप उसको क्या कर दो, केजी में चेंज कर दो। दोस्तों नेक्स्ट हमारा, अगर दोस्तों मान लो आपको, जैसे दोस्तों मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, क्या कॉलम सेलेक्ट किया, अगर आपको एक कॉलम जोड़ना है इसके बीच में, तो आप क्या करो, जैसे मैंने सेलेक्ट क्या किया कॉलम, तो आप प्रेस करो कंट्रोल शिफ्ट प्लस। देखिए दोस्तों एक कॉलम जुड़ गया। अगर दोस्तों फिर एक कॉलम जोड़ना चाहते हैं, फिर आपको क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस, अगर एक बार आपने कर दिया है तो आपको सिंपली फंक्शनल की क्या 4 प्रेस करना है। दोस्तों ये क्या होगा, ऑटोमेटिक जुड़ता जाएगा। अगर दोस्तों अगर आपने यहाँ पर सेलेक्ट किया रो, अब दोस्तों मैंने क्या सेलेक्ट कर लिया यहाँ पर रो, तब भी दोस्तों इसका रो अगर आप इंसर्ट करवाना चाहते हैं तो इसका भी शॉर्टकट की वही होगा, कंट्रोल शिफ्ट प्लस। अब दोस्तों आप 4 प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, ये जुड़ता जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट है सम। दोस्तों आप अधिकतर क्या करते हैं, सम फार्मूला लगाते हैं, तो सम फार्मूला का भी शॉर्टकट की होता है एल्ट प्लस इक्वल टू। इसका देखिए दोस्तों यूज आप कैसे कर सकते हैं, जैसे मान लो आप इन सब का क्या करना चाहते हो, आप इनका क्या सम निकालना चाहते हो, तो आप सिंपली क्या करोगे, इक्वल टू सम वगैरह लगाओगे, तो आप सिंपली क्या करो, एल्ट के साथ इक्वल टू प्रेस कर दो, एल्ट प्लस इक्वल टू एंटर कर दो। देखिए दोस्तों ऑटोमेटिक क्या होगा, जुड़ जाएगा। अगर दोस्तों आप इसका निकालना चाहते हो तो एल्ट प्लस इक्वल टू, ऑटोमेटिक सम फार्मूला इसमें लग जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट है डिफाइन नेम। डिफाइन नेम क्या होता है, दोस्तों डिफाइन नेम सबसे पहले मैं एक डाटा ले लेता हूँ, जैसे कि मान लो मैं ये डाटा मैंने ले लिया, अगर मैं इसका सम निकालना चाहता हूँ, जैसे मान लो सम या मैक्सिमम मिनिमम काउंट कुछ भी आप निकालना चाहते हो, जैसे मान लो मैं इसका जो है कोई भी फार्मूला की सहायता से मैं यहाँ पे इसका निकालना चाहता हूँ, तो क्या करोगे आप, सिंपली इक्वल टू लगाओगे, फिर उसके बाद क्या करोगे, सम लगाओगे या मैक्सिमम मिनिमम कुछ भी टाइप करोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, ब्रैकेट ओपन, उसके बाद आप क्या करना पड़ता है, यहाँ सेलेक्ट करना पड़ता है। हम चाहते हैं बिना सेलेक्ट करे इसको क्या करें, इसको हम एक्सेस कर सकें, तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, जैसे कि इसी सीट में नहीं, अगर दोस्तों आप इसके नीचे भी आएँ तो बिना सेलेक्ट करे उसको हम एक्सेस कर सकें, या किसी अदर सीट में भी इसका हम यूज़ कर सकें, इस WD का सम निकाल सके। उसके लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले तो आपको इतने एरिया सेलेक्ट करना है, उसके बाद दोस्तों आप क्या करना है, यहाँ पे देखिए दोस्तों नेम बॉक्स, यहाँ पे आप इसका एक नाम दे दो, जैसे मान लो मैं यहाँ पे देता हूँ WD देता हूँ एंटर। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर मैं लगाऊँगा इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ WD, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, वो एरिया सेलेक्ट हो जाएगा एंटर। अगर दोस्तों मैं नीचे भी, अगर दोस्तों मैं नेक्स्ट सीट में भी निकालना चाहता हूं, तो मुझे वहां पर जाकर सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली क्या करो, इक्वल टू लगाओ यहां पर टाइप करो मैक्सिमम मिनिमम कुछ भी हो, मैक्सिमम, उसके बाद ब्रैकेट ओपन, उसके बाद क्या टाइप करना है, WD, उसका नाम आपको याद रखना है बस, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज एंटर। देखिए दोस्तों मैं सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर हुआ क्या है, 30 है। नेक्स्ट दोस्तों फॉर्म। दोस्तों फॉर्म क्या होता है, दोस्तों फॉर्म क्या है, सबसे ज़्यादा यूज होता है MS Excel में। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ फॉर्म, सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, आप जब यहाँ पे ऑफिस बटन में जाने के बाद आप करो एक्सेल ऑप्शन में जाओ,
उसके बाद यहाँ दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है कस्टमाइज का, इस पर आप क्लिक करो। अब यहाँ दोस्तों आपको क्या है, यहाँ पे फॉर्म का ऑप्शन ढूंढना है, कहाँ पे फॉर्म का ऑप्शन है। यहाँ दोस्तों आपको आल कमांड पे या तो क्लिक करो। दोस्तों आल कमांड में क्या होगा, बहुत ज़्यादा कमांड आ जाएंगे, आप क्या करना है यहाँ पे करना है कमांड नॉट इन द रिबन, इस पर क्लिक करो। उसको दोस्तों यहाँ पे आपको ढूंढना है फॉर्म वाला ऑप्शन कहाँ पे है। फॉर्म का दोस्तों ऑप्शन देखिए दोस्तों ये रहा, उसको दोस्तों कर देना है आपको ऐड, और उसको कर देना है ओके। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे टूल बार में क्या होगा, यहाँ फॉर्म का ऑप्शन आपका जुड़ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप क्या करना है, सबसे पहले आप दोस्तों सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करो, फॉर्म पे क्लिक कर दो। अब देखिए दोस्तों सबका एक फॉर्म बन जाएगा। इसका मतलब है अगर मैं यहाँ पे क्राइटेरिया पे क्लिक करता हूँ, अगर किसी का एम्प्लॉई आईडी में अगर यहाँ पे टाइप करता हूँ, जैसे मान लो मुझे एम्प्लॉई आईडी A0152 इसका देखना है, जैसे मैं करता हूँ यहाँ पे एंटर, देखिए दोस्तों उस एम्प्लॉई आईडी का ऑटोमेटिक पूरा जो है डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। अब इसके लिए दोस्तों ना मैंने कोई भी लुकअप फॉर्म लगाया, ना कोई भी फॉर्म लगाया, सिंपली एक फॉर्म का ऑप्शन यहाँ पे दिया रहता है। आप क्या करना है, उसका एम्प्लॉय आईडी टाइप करना है, पूरा दोस्तों उसका डिटेल ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, आ जाएगा। उम्मीद दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों नेक्स्ट टिप्स है हमारा, दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है प्रिंट के अंदर, क्विक प्रिंट का। दोस्तों इसका यूज होता है अगर आपको इस फाइल का पीडीएफ फाइल बनाना है, तो दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन दिया रहता है प्रिंट के अंदर क्विक प्रिंट का। दोस्तों इसका यूज करके आप क्या कर सकते हो, इसका पीडीएफ फाइल बना सकते हो। दोस्तों क्या करना है, इसको आपको सिंपली करना है इस पर क्लिक। क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों पूछ रहा है आप पीडीएफ फाइल को किस नाम से सेव करना चाहते हैं। जैसे मान लो मैं यहाँ पे कर देता हूँ क्विक प्रिंट नाम से मैंने फाइल को सेव कर दिया। अब मैं करता हूँ डेस्कटॉप पे सेव, उसके बाद मैंने कर दिया यहाँ से सेव। यहाँ आप देखिए दोस्तों जो मैंने क्विक प्रिंट के नाम से मैंने सेव किया था, देखिए दोस्तों यहाँ पे शो हो रहा है, इसको डबल क्लिक करके देखते हैं। देखिए दोस्तों ये क्या हो गया, हमारा पीडीएफ फाइल बन गया। अब इसमें मैं कुछ भी चेंज नहीं कर सकता हूँ। दोस्तों ये ऑप्शन तभी काम करता है जब आपके कंप्यूटर में XPS व्यूअर डाउनलोड रहना चाहिए सॉफ्टवेयर। वैसे दोस्तों सभी विंडो में ये क्या होता है, ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड रहता है, लेकिन सपोज डेट अगर आप में ये ऑप्शन काम नहीं कर रहा है, तो आपको ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा, XPS व्यूअर ये सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। वैसे दोस्तों सभी विंडो में ऑलरेडी ये सॉफ्टवेयर रहता है।